खट्टा मीठा टमाटर का अचार किसे नहीं पसंद होता, और बच्चों का तो ये फेवरेट होता है। ये चटपटा और खट्टा मीठा टोमेटो पिकल किस तरह से बनाया जाता है, आइए देख लेते हैं। टमाटर का अचार बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाही में हम 1/4 कप सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर उसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे। इन मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर इसमें 500 ग्राम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर जितने लाल और पके हुए होंगे, अचार उतना ही अच्छा बनेगा। टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और आंच हम कम ही रखेंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलकर फिर एक बार अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच काला नमक और इन मसालों को फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। आठ दस मिनट बाद टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसमें हम आधा कप गुड़ डालेंगे। गुड़ या जगरी के अलावा शक्कर भी डाल सकते हैं आधा कप, और उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी सूख जाए और ये पूरी तरह ड्राई होकर कढ़ाई को छोड़ने लगे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ अब हम एक तड़का पैन लेंगे और इसमें 1/4 कप सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर हम आंच बंद करके उसमें 2 पिंच हींग डालेंगे और इस तड़के को अचार में डालकर मिक्स कर देंगे और अचार को 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अचार को ठंडा होने देंगे। अचार को स्टोर करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम श्योर कर लें कि अचार पूरी तरह ठंडा हो चुका है। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच विनेगर डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अचार को हम किसी साफ और ड्राई सिरेमिक जार या कांच के जार में स्टोर करेंगे और इस अचार को हम फ्रीज में रखकर 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं।